कौन था वो भड़वा जो जिसने ये बोला था ये दुकान 5 बजे खुली रहती है, है? कढ़ी वड़ा खाने के लिए हम लोग आए, अभी मेरे को भूख लग रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनेस्टली इनसेन। मेरा नाम है विकास कनोजिया और माझे नाव आहे राजेश बनसोडे। अब तुम लोगों को पता होगा हम लोग सुबह सुबह ये दो ही चीजों के लिए उठते हैं, है ना, या तो कोई ऑफिस होगा है ना, और जिम के लिए उठना तो इम्पॉसिबल ही हमारे लिए, या तो सुबह सुबह खाना होता है वड़ा पाव। वड़ा पाव का नाम सुना है तुमने जिंदगी में, 10 रुपए का मिलता है, कभी कभी 12, 15, 20 रुपए का भी मिलता है, तंखा चली जाएगी तुम्हारी, घर जाएगा तुम्हारा वड़ा पाव। वड़ा पाव में घर चला जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। राजेश ने तो 2-3 बार गिरवी रखे है वड़ा पाव खाने के लिए। हाँ ठीक है, वो भी दूसरों के। लेकिन एक बात बताता आप लोगों को, ये बंदा जिस सेहत की बात करता है, सुबह 5 बजे उठ के लोग रनिंग के लिए जाते हैं, मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं या फिर कुछ योगा वोगा करते हैं, ये बंदा खाने जा रहा है वड़ा पाव, इसने मुझको सुबह 5 बजे उठा भी दिया, बोल रहा है इसको वड़ा पाव खाना है, वो भी कढ़ी वड़ा। कड़ी का नाम लेते लिया तो इसलिए मुझे लगा चलो ठीक है निकल जाते, क्योंकि कड़ी तो मेरी बहुत फेवरेट है, तो लेट्स सी अभी जाते निकलते हैं, वहां पे जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि वड़ा पाव हमने खाया भी कैसा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ पनौती लोगों के वीडियोस देखे इंस्टाग्राम के ऊपर, जो लोग बोलते हैं कि ये जो जगह है ये 5 बजे खुल जाती है, देख लो हम लोग 6 बजे इधर पे खड़े हैं, है ना, इधर के आसपास में दूर दूर तक कोई भी दुकान खुली नहीं है। कौन था वो भड़वा जो जिसने ये बोला था ये दुकान 5 बजे खुली रहती है, है? कढ़ी वड़ा खाने के लिए हम लोग आए, अभी मेरे को भूख लग रही है। कुछ लोगों ने तो उनके घर गिर भी रख दिए इधर का वड़ा पाव खाने के लिए। हाँ तो अपन दलिंदर तो नहीं, दुकान बंद तो नहीं है। ये रिक्शा वाले को कोई और थोड़ा सा बड़ा, एरोप्लेन के आगे इसकी आवाज ज्यादा है विकास, देखिए तुमने। ये ना इतनी जोर से आवाज निकाल रहा है, थोड़ी देर में लॉन्च हो जाए डायरेक्ट, ठीक है। देखा इसीलिए इंस्टाग्राम की वीडियोस देख के कहीं पे भी जाना बंद करो पहले। हाँ तो ये फालतूगिरी करनी इसको, मैं यही बोल रहा हूँ, दिन भर है ना खाने के वीडियो देखता रहता है, और ये क्या इसने बोला आज सुबह 5 बजे, किसका आए बड़े इन्फ्लुएंसर कहीं के। पुणे में 2 चीजें हैं जिन्होंने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, एक तो है अंडा भुर्जी के ठेले और दूसरा है ईरानी कैफे। पता नहीं क्यों लेकिन जब भी मुझे भूख लगी है ईरानी कैफे मुझे हमेशा खुला ही मिला। और आज एक सीख भी मिली कि हर वो चीज़ जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उस पर विश्वास मत करो। विश्वास अगर नहीं करते तो शायद सुबह 5 बजे उठकर वड़ा पाव खाने के लिए नहीं निकलते। पर कुछ नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो बंदा है ना, यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में जाने के बाद उस रेस्टोरेंट का एम्प्लॉई बन जाते हैं, इसकी अभी की बात नहीं है, ये हमेशा का यही करता है। बस में तो हम बैठते नहीं हम लोग, बस में बैठो ना कंडक्टर बन जाए, ठीक है, या फिर कैब में बैठो तो ड्राइवर का असिस्टेंट बन जाए, उसको किन्नर भी बोलते। ओ गॉड, बचपन से मैं वही बनना चाहता था। हाँ, जहाँ पे जाओ जिस जगह पे जाओ वहाँ पे ये एज अ कस्टमर कभी बिहेव नहीं करेगा, कभी भी इसका बिहेवियर सच बोलता हूँ। जैसे कि एग्जांपल, स्पेशल चाय में चीनी कम होती है, अब ये बोल रहा है यार स्पेशल चाय ऐसे कैसे, इसमें तो चीनी है, अरे पागल स्पेशल चाय में चीनी कम ही होती है, मुझको बोलते कि तेरे बाप ने बनाया था पागल। अभी देखो ये सुबह मुझको 5 बजे एक जगह पे लेके आया, एक फालतू इंस्टाग्राम के चैनल को देख के, फूड ब्लॉगर, हाँ कोई है फूड ब्लॉगर, उसको देख के मुझे बोला 6 बजे हम लोग जाके मस्त वड़ा पाव खाएंगे कड़ी के साथ। मुझे नहीं पता वो चूतिया बना रहा दुनिया को। हाँ लेकिन इतनी भूख लगी है मुझे, तो यहाँ पे आने के बाद मैं बोल रहा हूँ ईरानी कैफे में चलो एक बार शॉप में पूछ लेता हूँ, तो वो नहीं मिलता है सुबह सुबह। तो इसके कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मनुष्य की है ना ये काली जबान है ना सच हो जाती है, सच हजम नहीं होता। तो फिर तो अर्चना है ना, सच बता एकदम, वो तो मेरी फेवरेट थी। बट वो नहीं मिलता यार सुबह सुबह शर्मा, उसको बंदे को शर्मा खाना है। अब मैंने बोल दिया नहीं मिलेगा तो बोलता अच्छा तेरे बाप का होटल है। देखो अब तुम लोगों ने हमेशा देखा होगा ये मेरे बाप का नाम लेता है, मैं इसकी माँ का नाम लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर में काम मेरे बाप करता है और इसी घर में काम इसकी माँ करती है। हाँ मेरी माँ तो वही बोलेगी, ये मेरी माँ को बोलेगा, मेरी माँ बोलेगी हाय दैया मैंने कब काम कर दिया, ये मुझे क्यों बोला।
तो तुम समझ लो इसके घर के जो अंडे फेंके जाते हैं उसके डर का इसके पापा के कहर, हाँ उसके कहर का इसके पापा के ऊपर असर आप लोगों को दिख जाएगा कि वो वही काम करके बेचारे जब भी जाओ ऐसा मैंने कह दिया विकास कह रहा है हमको मैंने कुछ नहीं कहा और ऊपर से ये जो हम लोग स्टैंड यूज कर रहे हैं ना मतलब इतना मनुष्य कुछ भी हो जाए चीज है विकास जब खरीदता है इतनी घटिया लेवल की चीज सस्ता मिल रहा है। आपने कढ़ाई देखी कल की स्टैंड भी उसी लेवल का वो कढ़ाई मतलब लोग पूछ रहे कि उसको एंटीक स्टोर में कब रख मुझको इंडिया से कॉल आ रही है ना मतलब गवर्नमेंट से इंडिया से गवर्नमेंट से कॉल आ रहे हैं कि हमको उसको हमारे एंटीक स्टोर में रखना है ये इस जमाने की कढ़ाई मिल रही नहीं है आजकल मार्केट तो स्टैंड भी वैसे ही आपको अगर टेढ़े दिख रहे हैं हम लोग ना तो उसके पीछे रीजन भी ये विकास कनौजिया ही है ये हरकतें करने का नतीजा है जहाँ पे जाओ जिस भी शॉपकीपर या फिर जो भी सेलर रहेगा उसका असिस्टेंट बन जाओ ना तो ऐसी चीजें मिलती है टेढ़ी मेढ़ी इसको सेविंग्स बोलते हैं सेविंग बोलते हैं मुझे भूख लगी है मेरा डाइट इसने खराब कर मेरी पतली कमर ये आया 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 है देख ली होगी ना तुम अपार्ट फ्रॉम इट्स आउट ऑफ द बॉक्स टाइमिंग ईरानी कैफे की और एक खूबसूरती है और वो है उसकी डेकोरेशन अब यहाँ डेकोरेशन के अंदर तुम्हें ये अलीबाबा दिख रहा होगा है ना आई रियली लव्ड दैट डॉल पर ऊपर तुम्हें दिखेगी जितने भी पुणे के पॉपुलर कैफेज हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं और ईरानियन कैफे जितने भी होते हैं सब में एक टिपिकल डेकोरेशन होता है ब्लू कलर की कटलरीज टंगाई हुई होती है वेल लिट प्लेस होती है वहाँ पर पेस्ट्रीज एंड ऑल लगाई गई होती है आमने सामने ताकि तुम लोग उसके ऊपर टूट पड़ो वैसे यहाँ पर एक नई चीज़ मुझे दिखी और वो था द ग्रेट खली का सिग्नेचर तो देखो शुरू हम लोगों ने किया था इधर से 5 बजे वड़ा पाव खाने के चक्कर में फिर पहुंच गए हम लोग ईरानी कैफे अब फाइनली आए सुदामा के अंदर है ना फाइनली अपनी मराठी पोहे खा के निकलेंगे और उसके बाद ही अपन लोग अपना दिन शुरू करते हैं दादा को पोहे कशे भेटता था आता इकड़े सुदामा भेल में तो हम सभी गए ही होंगे सुदामा पोहे मैं पहली बार आया हूँ यहाँ बेसिकली 10 टाइप के पोहे थे 5 पोहे 20 रुपये के मिलते हैं और 5 टाइप के 25 रुपये के मिलते हैं सो ओवरऑल ये एक बहुत ही सस्ती जगह है और टेस्ट बहुत ही अच्छा है एक चीज़ मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी देखने को मिली और वो थी कृष्ण और सुदामा की ये पेंटिंग और कृष्णा की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति हे आहे ये है दही पोहे और ये है कोकनी पोहे अब मैंने पहली बार किसी को पोहे को दही के साथ खाते हुए देखने वाला हूँ मैं जिंदगी में लेट्स सी गाइस देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है अब तुम लोग देखो बंदा ब्लाउज पिको फॉल सब करके दे रहा है सिखा भी रहा है साथ में आइसक्रीम प्लस मतलब कोई न सर न पैर ऐसी चीजें इसको इंजीनियर बोलते हैं यूट्यूबर रहेगा पक्का ये बंदा लोगों को आज हमको कैसे एक इंस्टाग्राम वाले ब्लॉगर ने चूतिया बना दिया ये भी लोगों को चूतिया बना ऐक ना विकास आपण एवढा जवळ आलो शनिवार वाड्याचा जायचं का शनिवार वाड्यामध्ये सुबह थोडी खुला रहेगा म्हणजे आता तू या याचा जो ऍडमिन किंवा मॅनेजर या मॅनेजमेंट करणाऱ्या माणसाचा आपण असिस्टंट झालाय का दरवाजा बंद नहीं दिख रहा उधर अरे अरे आधे चौथे वो जो है ना दरवाजा ये फ्रंट का नहीं है ज्यादा बात मत करो अंदर काका मालो वाचो आवाज आएगी हाँ तो नालायक कहेगा हमेशा किधर भी जाना है ना कुछ तो फालतू एक्सक्यूज देके बोलेगा कि ये ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा एक तो ऐसे भी अपनी शक्लें भूत जैसी है खुद की बात करो खुद की बात करो मैं गलत निकल चुका हूँ शनिवार वाड़ा खुला है एक्चुअली अब आई डोंट नो अंदर अलाउ करेंगे यानी बिकॉज टिकट की जो लाइन है वो तो बंद है बट शनिवार वाड़ा तो खुला है लोग इधर वॉक वूक करने आए तो ये है दोस्तों शनिवार वाड़ा द ग्रेट लव स्टोरी बाजीराव मस्तानी यही रची गई थी लेकिन मेरी नज़र में ये लव स्टोरी बस 2 लाइनों में व्यक्त करता हूँ प्यार की राह में मुझको छोड़ने वाले जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले अब बाजीराव मस्तानी के किस कैरेक्टर पर ये लाइन बेस्ट सूट होती है इसका फैसला आप ही कर लीजिए
और इधर पे राजेश को हकाल दिया है। मैंने यही बोला था नहीं बंद रहेगा मत जाओ, इधर पे लात मारे, पिछवाड़े पे लात मारा, वो तो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। इतनी जोर की लात मारे, देखो अभी भी हाथ वाथ अंदर करके। और फिर जाते वक्त हमने पुणे के सुप्रसिद्ध दगड़ूशेठ हलवाई के गणपति के भी दर्शन किए। कहते हैं यहाँ पर दुनिया की हर मुराद पूरी होती है, तो दर्शन कर लो दोस्तों, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो। और इसके बाद मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।